Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to our application AIIMS tutorial. In this video, we'll be discussing about accounts. Before entering into the subject accounts, we'll try to understand the meaning of the term account. Account subject mein jaane se pehle hum lafz account ka matlab samajhne ki koshish karenge. Account ka matlab kya? Apne paison ka hisab hum rakhna. What do you mean by account? Having a track record of our cash. What are our cash inflows? What are our cash outflows? Hum kahan se kama rahe, kahan pe kharch kar rahe. So every individual, be it an educated person or a layman, har shakhs, jo chahe wo padha likha rehne do ya anpadh aadmi rehne do, every individual is eager to have a track record of his cash inflows and cash outflows. Ye har insaan को ये बेचैनी लगी हुई रहती कि क्या पैसे कमा रहे, क्या पैसे खर्च कर रहे, क्या पैसा बचा हुआ है. लेट अस हैव एन एग्जांपल दैट एट द टाइम ऑफ लीविंग फ्रॉम अवर होम वी हैव रुपीज 100 विद अस. सुबह घर से जाते वक्त अपने पास कितने पैसे हैं? 100 रुपए है. अब अपने को कितने पैसों का हिसाब रखना है? 100 रुपए का हिसाब रखना है. सो ये 100 रुपए में से हम क्या करें, 50 रुपए का पेट्रोल डलाए. वी हैव स्पेंट रुपीज 50 फॉर पेट्रोल. So from these 100 rupees, we have spent rupees 50 for petrol. Then what is the balance amount that we have with us? 50 rupees. 100 rupees mein 50 rupees petrol pe kharch kar diye. To kitna paisa bacha hua hai? 50 rupees bache hue hai. Then again we have spent rupees 30 for recharge. Fir wo 50 rupees mein hum kya kare? 30 rupees recharge pe kharch kare. To kitna paisa bacha hua hai? 20 rupees bache hue hai. Out of that 20 rupees, our heart is willing to donate the amount of 20 rupees. Dil bol raha 20 rupees kisi ko donate kar denge. But our mind is not agreeing with it. But अपना दिमाग वो चीज को नहीं मान रहा. दिल बोल रहा 20 रुपए डोनेट कर देंगे, दिमाग बोल रहा 20 रुपए डोनेट नहीं करना. क्यों? The mind is arguing that if we donate the entire amount of rupees 20, then what will be left with us? अगर 20 रुपए पूरे डोनेट कर दिए तो अपने पास क्या रह जाता? So दिल भी अपना है, दिमाग भी अपना है. So neither we can let our heart go down nor we can let our mind go down. ना दिल को नाराज कर सकते ना दिमाग को नाराज कर सकते. तब क्या करेंगे आप? दिल को भी खुश करेंगे, दिमाग को भी खुश करेंगे. कैसा खुश करेंगे? 20 रुपए जो बचे हुए उसमें 10 रुपए डोनेट करेंगे, 10 रुपए अपने साथ रख लेंगे. सो देन वी हैव डोनेटेड रुपीज 10 एंड वी हैव केप्ट ए बैलेंस ऑफ रुपीज 10 विद अस. तो ये 100 रुपए का हिसाब था. सुबह हम अपने साथ घर से निकलते वक्त कितने पैसे लेके गए? 100 रुपए लेके गए. इसमें से पेट्रोल पे कितने डलाए? 50 रुपए पेट्रोल के लिए खर्च कर दिए. कितने पैसे बचे हुए हैं? 50 रुपए बचे हुए. उसमें हम क्या करें? 30 रुपए का रिचार्ज कराए. कितने पैसे बचे हुए? 20 रुपए बचे हुए. जिसमें दिल बोला 10 रुपए डोनेट कर दिए, दिमाग बोला 10 रुपए बैलेंस रख लिए. तो ये हिसाब रखना है. वॉट वी हैव, वॉट इज द अमाउंट वी हैव, वॉट आर अवर कैश इनफ्लोज. तो अपने पास किसी वजह से 100 रुपए आए थे, ये अपना कैश इनफ्लो था. अब ये कैश आउटफ्लो था. आउटफ्लो में हम क्या देख रहे? पैसे कहाँ कहाँ खर्च कर रहे और कौन सी चीज पे कितना पैसा खर्च कर रहे. हम पैसे किधर खर्च करें? पेट्रोल पे खर्च करें, रिचार्ज पे खर्च करें, डोनेशन पे खर्च करें. पेट्रोल पे 50 रुपए खर्च करें, रिचार्ज पे 30 रुपए खर्च करें, डोनेशन पे 10 रुपए खर्च करें. तब अपने पास कितना बैलेंस बचा हुआ है? 10 रुपए बचे हुए हैं. सो ये हिसाब किताब रखना है, ये अकाउंट्स है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स. इट इज एज सिंपल एज दैट बिकॉज इट वॉज सिंपल ट्रांजेक्शन ऑफ रुपीज 100. ये सिर्फ 100 रुपए का हिसाब रखना था तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी. तो आसानी से हम 50 का पेट्रोल डलाए, 30 का रिचार्ज कराए, 10 रुपए डोनेट करें, 10 रुपए बैलेंस है. ये इतना आसानी से करें. इफ वी ट्विस्ट द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करें और थोड़ा अकाउंट्स को कॉम्प्लिकेट करते हैं. सो इफ इट इज द क्वेश्चन दैट इट इज अवर रेगुलर शेड्यूल फ्रॉम पास्ट 7 ईयर्स, ये हमारा रोज का माहौल है गुज़िश्ता 7 साल से. देन इट इज अवर रेगुलर शेड्यूल फ्रॉम पास्ट 7 मंथ्स, ये गुज़िश्ता 7 महीने से हमारा रेगुलर शेड्यूल है. देन दिस इज अवर रेगुलर शेड्यूल फ्रॉम पास्ट 7 वीक्स, गुज़िश्ता 7 हफ्तों से ये हमारा रोज का माहौल है. देन दिस इज अवर डेली रूटीन फ्रॉम पास्ट 7 डेज, अगर गुज़िश्ता 7 साल 7 महीने 7 हफ्ते 7 दिन से रोज सुबह हम अपने साथ 100 रुपए लेके जा रहे, जिसमें हम गुज़िश्ता 7 साल 7 महीने 7 हफ्ते 7 दिन से रोज 50 का पेट्रोल डला रहे, रोज 30 का रिचार्ज करा रहे, रोज 10 रुपए डोनेट कर रहे, रोज 10 रुपए अपने साथ घर लेके आ रहे. अब अपना क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो गया. तो इससे पहले हम क्या करें? अपने पास कितने पैसे थे? 100 रुपए थे. उसमें से कितना पेट्रोल पे खर्च करें? 50 रुपए खर्च करें. रिचार्ज पे कितना खर्च करें? 30 रुपए खर्च करें. डोनेशन पे कितना खर्च करें? 10 रुपए खर्च करें. बैलेंस अमाउंट कितना था? 10 रुपए था. सो
वो कैलकुलेशन बहुत आसान था, तो बिना सोचे समझे आप फट से जवाब दिए कि 10 रुपए बैलेंस अमाउंट है। नाउ इफ आई ट्विस्ट द क्वेश्चन एज इफ दिस इज योर रेगुलर रूटीन फ्रॉम पास्ट 7 years, 7 months, 7 weeks एंड 7 days, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट यू आर कैरिंग विथ यू। तो अपन पूरा 7 साल, 7 महीने, 7 हफ्ते, 7 दिन से रोज सुबह अपने साथ जो 100 रुपए लेके गए वो टोटल कितना होता। तो पहला सवाल क्या आएगा, व्हाट इज द अमाउंट दैट यू आर कैरिंग विथ। अब हम क्या बोलेंगे, वी आर्ग्यू दैट अवर क्वेश्चन इज रॉन्ग, हम अपना क्वेश्चन गलत है बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, 7 साल समझ में आती बात, 7 महीने बात समझ में आती, 7 हफ्ते, कोई भी मंथ में 7 वीक्स नहीं रहते। तो हियर वी आर जस्ट इमेजिनिंग, तसव्वुरात की दुनिया में सब अलाउड है, एवरीथिंग इज अलाउड इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। तो यहाँ पे सिर्फ अपने को इमेजिन करना है कि 7 साल, 7 महीने, 7 हफ्ते, 7 दिन से हम रोज सुबह अपने साथ 100 रुपए लेके जा रहे। तब अपना क्वेश्चन क्या आएगा, पहला सवाल व्हाट इज द अमाउंट दैट यू आर कैरिंग विथ। तो हम रोज 7 साल, 7 महीने, 7 हफ्ते, 7 दिन से जो 100 रुपए लेके जा रहे वो कितने होते। अब जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता, नो आंसरिंग टू दिस क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज इट वॉज नॉट सिंपल एज दैट स्पेंडिंग ₹100 डेली, इतना आसान नहीं था। तो अब आप क्या करते, थोड़ा कैलकुलेटर ले लेके कैलकुलेशन कर लेते बढ़ जाते कि सबसे पहले 7 साल, 7 महीने, 7 हफ्ते, 7 दिन में कितने दिन होते, देन विल बी मल्टीप्लाइंग इट विथ 100 इन ऑर्डर टू गेट द आंसर ऑफ व्हाट इज द अमाउंट दैट यू आर कैरिंग विथ। नाउ इफ आई आस्क द सेकेंड क्वेश्चन एज व्हाट इज द अमाउंट दैट वी हैव स्पेंट ऑन पेट्रोल, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन पेट्रोल। गुजिश्ता 7 साल, 7 महीने, 7 हफ्ते, 7 दिन से हम एक दिन में पेट्रोल पे कितना पैसा खर्च करें, 50 रुपए खर्च करें। वो आसान सवाल था, उसका जवाब भी उतना ही आसान था। बट इफ आई ट्विस्ट द क्वेश्चन एज व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन पेट्रोल फ्रॉम द पास्ट 7 years, 7 months, 7 weeks एंड 7 days, देन अगेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट। अगेन वी विल बी कैलकुलेटिंग, फर्स्ट वी विल बी कैलकुलेटिंग हाउ मेनी डेज आर देयर इन 7 years, इन फ्रॉम पास्ट 7 years, 7 months, 7 weeks एंड 7 days, देन विल बी मल्टीप्लाइंग इट विथ 50 rupees इन ऑर्डर टू गेट द आंसर फॉर व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन पेट्रोल। देन आर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन रिचार्ज, एक दिन में हम रिचार्ज पे कितना पैसा खर्च करे थे, 30 रुपए खर्च करे थे। इफ आई ट्विस्ट द क्वेश्चन एज व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन रिचार्ज फ्रॉम द पास्ट 7 years, 7 months, 7 weeks एंड 7 days, अगेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट, अगेन वी नीड टू कैलकुलेट इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द अमाउंट दैट यू हैव डोनेटेड। तो गुज़िश्ता एक दिन में हम कितना डोनेट कर रहे थे, दिल बोला 20 रुपए डोनेट करने के लिए, बट दिमाग बोला कि 20 रुपए अगर डोनेट कर दिए अपने पास क्या रह जाता। तो इसलिए हम क्या करें, दिल को खुश करने 10 रुपए डोनेट करें, दिमाग को खुश करने के लिए 10 रुपए बैलेंस रख लिए। अब अपना सवाल क्या है, व्हाट इज द अमाउंट दैट यू हैव डोनेटेड, गुज़िश्ता 7 साल, 7 महीने, 7 हफ्ते, 7 दिन से कितना पैसा डोनेट करें। सो अगेन आंसरिंग बिकम्स डिफिकल्ट, सो अगेन वी नीड टू डू द कैलकुलेशंस। देन कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट दैट यू आर लेफ्ट विथ। तो अब अपने पास एक दिन में 10 रुपए बैलेंस बच रहे थे, अब ये 7 साल, 7 महीने, 7 हफ्ते, 7 दिन में कितने 10 रुपए अपने पास बचे हुए है। सो नो आंसरिंग ऑल दिस क्वेश्चन, जैसे कि ये सब चीजों से पहले का सवाल क्या था, सुबह 100 रुपए लेके गए, 50 रुपए पेट्रोल पे खर्च करे, 30 रुपए रिचार्ज पे खर्च करे, 10 रुपए डोनेट करे, 10 रुपए बैलेंस था। इट वॉज वेरी सिंपल, जो भी क्वेश्चन पूछो उसका सिंपल सिंपल आंसर था, अपने पास कितने पैसे थे, व्हाट वॉज द अमाउंट वी हैड कैरीड विथ 100 रुपीज, व्हाट वॉज द अमाउंट स्पेंट ऑन पेट्रोल 50 रुपीज, व्हाट वॉज द अमाउंट स्पेंट ऑन रिचार्ज 30 रुपीज, व्हाट इज द अमाउंट दैट वी हैव डोनेटेड 10 रुपीज, व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट दैट वी हैव 10 रुपीज। So the question was simple as well as the answer was very simple. But here even the questions are twisted as well as the answers will be twisted. So इसको calculations करना पड़ता, थोड़ा time लेंगे calculation करने के बाद ये चीज़ों का जवाब देंगे। So accounts में हम हर चीज़ record करें तो उसका जवाब दे सकते, अगर record नहीं करें तो उसका जवाब नहीं दे सकते। So in accountancy first every transaction will be recorded first, क्योंकि हर चीज़ जो record करी हुई है उसका आप जवाब दे सकते हैं, बिकॉज व्हाट हैज बीन रिकॉर्डेड कैन बी आंसर्ड, व्हाट इज नॉट रिकॉर्डेड इट कैन नाइदर बी रिमेम्बर्ड नॉर इट कैन बी आंसर्ड। तो अकाउंट्स की अहमियत कहाँ से शुरू हो रही, रिकॉर्डिंग से शुरू हो रही, जिसको हम अकाउंटेंसी लैंग्वेज में जर्नलाइजिंग बोल के बोलते हैं। तो अकाउंट्स का खेल कहाँ से शुरू होता, सबसे पहले जर्नलाइजिंग रिकॉर्डिंग से शुरू होता। सो दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द टर्म अकाउंट, ये हम सब्जेक्ट अकाउंट्स नहीं पढ़े, सिर्फ लफ्ज अकाउंट का मतलब क्या है देखे, अकाउंट का मतलब क्या, अपने पैसों का हिसाब हम रखना, कहाँ से कमा रहे, कहाँ पे खर्च कर रहे, क्या पैसा बचा हुआ है, व्हाट वी आर अर्निंग, व्हाट वी आर स्पेंडिंग एंड व्हाट वी आर लेफ्ट आउट विथ। होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर नाउ।
See you all in next video. Stay healthy, stay safe, stay connected to AIIMS tutorial. Thank you for watching.